Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to our YouTube channel DMLT Lab. Today we are going to discuss about hemoglobin. Let's start our video. Firstly, we have discussed what is a hemoglobin. Let's start. It is a conjugated protein. Hemoglobin क्या होता है? एक conjugated protein होता है, मतलब उसके अंदर protein part भी present होता है और non-protein part भी present होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं conjugated protein. Okay? Red color of ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. हमें पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है. तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, या फिर वैसे बोल सकते हैं एक टाइप की प्रोटीन होती है. इसके कारण ही क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है. अब हम लोग बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है. पहला होता है हीम, फिर दूसरा होता है ग्लोबुलिन. ठीक है, ये दो पोर्शन होते हैं. ये दो पोर्शन मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं. हीम के अंदर आते हैं, इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट. मैंने आपको बताया इट इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन, मतलब क्या होता है इसके अंदर क्या, नॉन, ये हमारा हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट और ये हमारा हो गया प्रोटीन पार्ट. ठीक है, और इनको कंबाइंड में हम क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड प्रोटीन. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन है. तो इसमें क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है और प्रोटीन पार्ट भी है. अब मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, या फिर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन. जो हीम होता है ना, उसके अंदर कौन सा पार्ट आता है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आता है. किसका? हीमोग्लोबिन का, या फिर प्रोटीन का. और जो ग्लोबुलिन होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन पार्ट आता है. किसका? हीमोग्लोबिन का. उसके बाद में जो हमारा हीम होता है वो फर्दर टू पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, आयरन मॉलिक्यूल से, और क्या होती है, फोर पाइरोल रिंग होती है, उनसे मिलकर बना हुआ होता है. आयरन जो होता है Fe प्लस टू के फॉर्म में होता है. ओके, तो ये याद रखना, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe प्लस टू के फॉर्म में होता है. ठीक है, और हीम जो होता है सब्सटेंस, या फिर हीम मॉलिक्यूल जो होते हैं, किससे मिलकर बना हुआ होता है? आयरन पार्ट से और फोर पाइरोल रिंग से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, और हीमोग्लोबिन को हम कंजुगेटेड प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, हमारा प्रोटीन और सॉरी नॉन प्रोटीन और प्रोटीन दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन. और जो हमारा ब्लड का रेड कलर होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है. अब मैंने आपको बताया हीम के बारे में, तो बता दिया कि आयरन और पाइरोल रिंग से मिलकर बना हुआ होता है. अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन जो होता है, जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट होता है, इसमें क्या होती है, दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है. ठीक है ना, तो ग्लोबुलिन किससे मिलकर बना होता है? दो अल्फा चेन से और दो बीटा चेन से मिलकर बनेंगे. अब हम चलते हैं डायग्राम के अंदर. डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या है, अल्फा चेन, ये हमारी अल्फा चेन. तो टोटल कितनी अल्फा चेन हो गई? दो अल्फा चेन हो गई. और ये हमारी बीटा चेन और ये हमारी बीटा चेन, मतलब फोर ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर वैसे बोल सकते हैं दो अल्फा चेन होती है, उसमें दो बीटा चेन होती है. और आयरन, आयरन होता है, आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe प्लस टू के फॉर्म्स में होता है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक कंजुगेटेड प्रोटीन है, और इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड का कलर रेड होता है. और ये दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, हीम प्लस ग्लोबुलिन. और हीम के अंदर क्या आता है? आयरन आता है और फोर पाइरोल रिंग आती है. और जो ग्लोबुलिन होता है उसके अंदर क्या होती है, चेन्स आती है, दो अल्फा चेन्स आती है और दो बीटा चेन्स आती है. इन अल्फा चेन्स की, इन चेन्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और आप एक तरह से मान लीजिए प्रोटीन्स ही होते हैं. ठीक है ना, तो ये किसके बने हुए होते हैं? एमिनो एसिड्स के मिलकर बने हुए होते हैं. अब मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, जो हमने डायग्राम में देखा था कि उसके अंदर चार अल्फा और सॉरी दो अल्फा एंड दो बीटा चेन, जो हमने डायग्राम देखा था उसके अकॉर्डिंग वो हमारा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था. ठीक है ना, अब क्या होता है, ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करता है, फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करता है. मतलब फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है, ये बाइंड होता है. और ऑक्सीजन का कहाँ ट्रांसफर करता है? हमारे लंग्स से ऑर्गन तक ट्रांसफर करता है. ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन से कितने मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं ऑक्सीजन के? फोर मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं. अगर हमसे पूछ लिया जाए कितने एटम बाइंड होते हैं, तो हम बोलेंगे एट एटम बाइंड होते हैं. ठीक है, तो याद रखना एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को कैरी करता है? फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, या फिर एट एटम्स को कैरी करता है. किसकी? ऑक्सीजन के एट एटम्स को कैरी करता है. ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हीमोग्लोबिन की हमारे ब्लड के अंदर? ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर 12 टू 16 ग्राम होती है 100 ml. जो हमारा 100 ml ब्लड होता है ना, उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है? 12 टू 16 ग्राम होती है. ठीक है ना, अगर इससे कम होती है, ज्यादा होती है, तो प्रॉब्लम होती है. ठीक है ना, बट नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 12 टू 16 ग्राम होती है. किसमें? 100 ml ब्लड के अंदर. ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. And thank you for watching my videos.